हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स के बारे में, तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे गोल्ड के बारे में। तो पहले ये है कि हम गोल्ड क्यों परचेस करते हैं। हम गोल्ड इसीलिए परचेस करते हैं कि क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि गोल्ड हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट है। पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो गोल्ड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़्यादातर गोल्ड की सेलिंग हमारे देश में दिवाली के टाइम पर और मैरिज सीजन्स में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, गोल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड से हमें कितना पैसा बन सकता है, तो उसी के लिए हमारे पास एक बैंक बाजार का एक ब्लॉग है। उसमें हमको पता चलता है कि 1964 में 63.25 रुपीस फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और यहाँ से सभी डेटा आपको मिल जाएगा। 2017 तक की गोल्ड की प्राइस हमको यहाँ पे डिस्प्ले की गई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस कितनी स्लोली इंक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर। तो इसी से आपको मालूम चलता है कि गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। और अगर हम प्योरली रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक HDFC गोल्ड फंड है, उसमें आपको मालूम चलेगा कि एक लास्ट 1 मंथ का रिटर्न 3.8%, 3 months का रिटर्न 3.5, 6 months का रिटर्न 3.3, एंड देन 5 years का रिटर्न ओनली 0.2%। तो अब हम लोग समझेंगे कि गोल्ड डेड एसेट कम बनता है। लेट्स से आपने अभी अभी गोल्ड परचेस किया है और आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को 10 या 15 सालों के बाद आप वो गोल्ड दे देते हो, तो वो आपके लिए बन गया डेड एसेट। और आपकी नेक्स्ट जनरेशन वही गोल्ड को उसकी नेक्स्ट जनरेशन को पास देते हैं, तो वो उसी के लिए भी डेड एसेट बन गया। अगर हम एसेट खरीदते हैं तो उसकी सेल भी होनी चाहिए, बाइंग और सेलिंग एक साथ होनी चाहिए, तभी उसको एसेट किया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही हो रही है और सेलिंग हो ही नहीं रही, तो उसको हम डेड एसेट कहते हैं। और अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करना नहीं चाहते तो आप गोल्ड फंड्स और गोल्ड ETF फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, ये है एक HDFC का गोल्ड ETF फंड, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गोल्ड के रिटर्न्स कितने कम आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सितंबर 2010 एंड 19 दिसंबर, ओके 31 दिसंबर ओनली। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ 1000 की जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वहाँ एक्सटेंड ट्रेडेड फंड स्टॉक मार्केट के टाइम ही ट्रेड होते हैं, तो हम उसको शेयर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो बहुत ही कम रिटर्न है इस शेयर का। सो सेम एज गोल्ड फंड, अगर आपको गोल्ड फंड और ETF के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया गया है। गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक दो की हम आज बात करेंगे। उनमें से एक है मार्केट क्रैश, और दूसरा क्रूड ऑयल प्राइस, और तीसरा डॉलर की प्राइस। तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट क्रैश से गोल्ड की प्राइस को क्या इफेक्ट आता है। एज वी ऑल नो कि 2008 और 2009 में मार्केट क्रैश हुआ था, और उसी टाइम
हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस कितनी तेजी से इंक्रीज हुई। 2007 में 10,800 और 2010 में 18,500, और फिर जब मार्केट स्टेबल आया और मार्केट ने बूम स्टार्ट की, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस बढ़नी बहुत ही कम हो गई और रिटर्न्स भी बहुत कम हो गए। तो इस डेटा में से हम सीख सकते हैं कि हमको गोल्ड कब सेल करना चाहिए। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस कितनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, तो हमको वो देखना चाहिए कि हम कभी गोल्ड खरीद रहे हैं और हम कभी गोल्ड बेच रहे हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी जब भी मार्केट क्रैश होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग बहुत पैसे कमा के ले जाते हैं। उसका ये रीज़न है कि उस टाइम पे वो लोग अपने कॉमोडिटीज को सेल कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वॉरेन बफेट का गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बहुत ही लोएस्ट रिटर्न जो देता है वो गोल्ड है, और जो हाईएस्ट रिटर्न जहाँ से मिलता है वो है इक्विटीज। और यहाँ पे वॉरेन बफेट वही बात कर रहे हैं कि इक्विटीज और गोल्ड में कितना डिफरेंस है, कि रिटर्न्स दोनों के रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है। $10,000 इन्वेस्टेड इन S&P 500 इन 1942 वुड बी वर्थ $51 मिलियन टुडे, एंड $10,000 इन्वेस्टेड इन गोल्ड वुड बी अप्रोक्सीमेटली ओनली $400,000। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि गोल्ड का रिटर्न कितना कम है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी सोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और उसको बताइए कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना होता है। और जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। थैंक यू।